Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum Moses Weavers. Moses Weavers, जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है वो ये वजीफा लाजमी जिंदगी में एक दफा जरूर कर लें। तो दोस्तों, मैं आज आप सबकी खिदमत में जाती घर बनाने का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह इस वजीफे के बाद अल्लाह करीम जाती मकान के असबाब पैदा फरमा देगा। तो दोस्तों, कुछ अहबाब ने कमेंट्स में ये गुजारिश की है कि उनके पास जाती मकान नहीं है और वो किराए के मकान में रह रहे के तंग आदे हैं और वो चाहते हैं कि दिन से रात ना हो, अल्लाह पाक का करम हो और उनके पास जाती मकान आ जाए। तो उन मेरे बहन भाइयों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आज आप सब के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ ये बहुत ही बाकमान और मुजल्ली वजीफ़ा है। और सबसे बढ़कर ये कि ये वजीफ़ा सैकड़ों लोगों का अजमूदा वजीफ़ा है। इसी हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो सुनने वाले हैं दुआ कर दें कि अल्लाह करीम अपने ज़ाती खजानों से उन तमाम दहम भाइयों की मदद फरमाए जो ज़ाती मकाम के ख्वाहिशमंद हैं। आज का वजीफ़ा मैं ऐसे ही दोस्तों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ जो ज़ाती मकाम के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं। इसी वजीफे के साथ इंशाल्लाह इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह करीम ज़ाती मकान के असबाब ज़रूर पैदा फरमा देगा। तो दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 24 का कुछ हिस्सा फ़ाइनल्लाह हुवल गनीउल हमीद, इसका वजीफा आपने करना है। आपने इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा ये आयत पढ़नी है। अव्वल वो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह करीम अपने खजानों से आपको घना नायत कर दे। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये वजीफा कैसे आपके दिन फेरता है और जल्द ही आपको इस काबिल बना देगा कि आप अपना जाती मकान लेने के अहल हो जाएंगे। अल्लाह पाक खलूस नियत से अमल की तौफीक अनायत फरमाए और उन तमाम दहम भाइयों को जाती घर दे जो जाती घर के ख्वाहिशमंद हैं। कमेंट में आमिन लिखकर दुआ में शामिल हो जाए। अल्लाह पाक आप सब की भी मदद फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।